पता ये चलता है कि इंडिगो इंडिगो ने ऑर्डर की है 30 लॉन्ग रेंज एयरबस A350s। इतना बड़ा ऑर्डर इंडिगो ने फिर कर डाला है, और ये जो 30 लॉन्ग रेंज एयरबस, की वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि सोलर पैनल पर टैक्स आयद करने पर कोई बातचीत नहीं हुई। हुकूमत पूरी संजीदगी से इस मामले को देख रही है। पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के सदा खालिद खोकर ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर गंदम खरीदारी के मामले में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। अगर कोई ये समझता है कि ट्रांसलेशन हो जाएगी, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या अवाम ये देखेगी कि हाँ जी कोई इकोनॉमी में कोई सस्ता सस्ता हो रहा है या चीज़ें चल, वो अभी इमिजिएटली नहीं होगा। और ये कोई अच्छा एक और बात सना याद रखो। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ इंडिगो बड़ी से बड़ी डील कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का PIA पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। PIA को कोई ख़रीदने वाला भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि PIA को किसी भी तरीके से दूसरे देशों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी सफलता नहीं मिली है। जिस तरह से इंडिगो ने बड़ी तादाद में एयरबस से विमान खरीद रहा है, उस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि अब भारत के हर एक एयरलाइन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कोई खरीदने तक को तैयार नहीं, क्योंकि मुस्लिम देश भी PIA में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने खरीदारी की है तकरीबन $10 बिलियन कहे जा रहे हैं इसकी वर्थ है। मैं आपको ऊपर ऊपर से ये जो खबरें पढ़ के बता रही हूँ, यानी ये कि जो हमारे सामने खबरें हैं इसकी डिटेल बता रही हूँ। अगर हम इसके कीनली उसके अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि किस पे कितना इसका प्रॉफिट है, कितना खरीदा गया क्या है, तो फिर हमें पता चलेगा कि हो सकता है इससे भी ज्यादा एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हों। तो इंडिगो जो है वो इंडिगो हैज ए 60% शेयर ऑफ द इंडियन एविएशन मार्केट। ठीक है जी, इंडिगो का हमने आपको पहले भी बताया था, एयरबस इंडिगो और ये सब, इसके कितने बड़े एग्रीमेंट सामने आए थे, बोइंग का कितना बड़ा एग्रीमेंट आपके सामने आया था। तो ये कहा जा रहा है कि मेकिंग इट्स फर्स्ट एवर परचेज ऑफ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, इंडिगो हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 30 A350-900 jets with Airbus। और अच्छा, फिर इसमें ये भी बताया गया है कि $9.5 बिलियन जो है टू फ्लाई लॉन्ग रेंज, और ये अब नॉन स्टॉप इंडिया टू US नॉन स्टॉप होने जा रहा है। आप देखेंगे ये जो ट्रेवल्स हैं, फ्लाइट्स हैं उसके अंदर। और come 2027 and Indigo will mount non-stop flights by using its own wide body aircraft between India and जो दूर तक जितने भी दुनिया के corners हैं वहां पर, जितने भी countries हैं वहां तक जो है ये हो पाएगा। और इसके अंदर दी राहुल भाटिया जो हैं founded mega budget carrier, उन्होंने ये बताया है कि वो agree कर गए हैं इस agreement पर, ये agreement हो रहा है और उन्होंने ये बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है फॉर 30 ट्विन आइल एयरबस A350-900 वैल्यू एट ओवर $9.5 बिलियन एट लिस्ट प्राइस, अलोंग विद एन ऑप्शन फॉर 70 मोर ऑफ दीज बिग बर्ड्स। ये यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है इसके साथ साथ जो और उन्होंने मंगवाने हैं और जो जितने भी एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं उसकी भी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं। तो देखिए, जहां जो इंडिगो है, जो एयर इंडिया है, जो वहां की कंपनीज हैं और दूसरे जो कंट्रीज की कंपनीज हैं, वो मिलकर कैसे कैसे जो है वो एग्रीमेंट्स कर रही हैं, तो वहीं पर मेरे सामने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट आई, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो ट्वीट क्या है। तो देखिए, मैंने जब ट्विटर ओपन किया तो पता ही चला कि हमारे जो फॉर्मर पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हैं, उन्होंने IMF के हवाले से एक ट्वीट किया। अब जरा देखिएगा कि वो ट्वीट किया है, तो फिर मैं बताऊंगी कि वो ट्वीट किया है। आप जरा पहले अंदाजा कीजिए, जुबैर साहब ये लिखते हैं जनाब कि मोर देन पाकिस्तान इट इज इन IMF इंटरेस्ट टू गिव अस ए न्यू लोन simply because Pakistan has to pay back $7.5 billion outstanding IMF loan. IMF does not give us new program. They won't get back their outstanding loan. If IMF doesn't give us new plan, new program,
they won't get their back outstanding loan. So we are taking loan from IMF to pay back IMF. समझ आई आपको ट्वीट की उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंपल से सादा सा फार्मूला बता दिया, सब हैरान और परेशान है कि ये क्या लिखा है। गवर्नर साहब जो हैं, फॉर्मर गवर्नर साहब जुबैर साहब, ये कह रहे हैं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। पीबीआई में प्रोग्राम दुनिया के किसी इलाके में ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता, वो एंटी ग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब एंटी ग्रोथ प्रोग्राम होगा और आपकी इकोनॉमी में आबादी बढ़ रही होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, तो फिर आप उसको उसको मिला नहीं सकते। मिलाना एक मुश्किल काम है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। वो पैरेलल नहीं चल सकता ना कि आपकी ग्रोथ कहीं जा रही है और आपके कर्जों में आप डूबते जा रहे हैं, आप पैसा लेते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन शब्बर साहब, आजकल जो बहुत हॉट डिबेट हो रहा है ना, वो ये कि निजकारी और फिर बिलखसूस पीआईए की निजकारी की जब बात होती है। मैंने तो पता नहीं कितनी दफा स्टेट मिल की भी सुनी, आपने पता नहीं कितनी दफा सुनी होगी, फिर वो पीआईए की भी हमने काफी दफा सुनी है। इस बार आपको लगता है कि जिस तरह निहारी और पाए खिलाकर सऊदीज के साथ निगोशिएट करने की बात प्राइम मिनिस्टर कह के गए हैं, इट विल बी अ फिजिबल पॉइंट के हो सकता है कुछ? देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है। ओके, अच्छा, मगर मुझे कोई आज की शक्ल में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ऑन द मार्केट बेसिस आएगा। मतलब उनको आपने परसुएट करना पड़ेगा कि आप ले लें। ठीक हो गया। ठीक है, मेरी सजेशन ये होगी कि आप इसमें पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट का कंसोर्शियम बना के उनको दें, ये फॉरेनर को नहीं बेचे। अच्छा, मेरे ख्याल इसकी बात हुई भी है। हाँ, इसकी बात हुई है। आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आप पाकिस्तानियों का कंसोर्शियम बनाए। हाँ, आजकल कोई एयरलाइन और आपके पास ऐसे लोग हैं? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे टाइकॉन्स हैं जो आपको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास सिर्फ 30-40 जहाज है। हमारे पास जो बुनियादी तौर पर रूट्स ही है ना, और क्या है। तो ये फॉरेनर आएगा, आज आपको अच्छा लगेगा, बाद में डिविडेंड का मसला आएगा, चीजें मसला आएगा। ये 10 दफा आप निचकारी ऐसे सलाद को दी, फिर पीटीसीएल और पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है। हाँ, मैं इस पर एक और बड़ी सख्त बात कहता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आप इसे नहीं बेच सकते, खुदा ना खास्ता नहीं बेच सकते, तो इसे बंद कर दे। ये आप क्यों देखिए, हाँ, आप चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर फर्निश करे और हुकूमती इदारे बिल्कुल नहीं, तो प्रायोरिटाइज करेंगे जब भी, तो उस प्राइवेट सेक्टर ही आ जाएगा ना। इन अदर वे, बट तो दुनिया में आप कहीं एयरलाइन गवर्नमेंट नहीं चलाती। अच्छा, ओके, ये आपने क्यों अज्यूम किया हुआ है कि पीआईए रहेगी? क्यों हम ये अज्यूम क्यों करते हैं? हमने तो कुछ रहने नहीं दिया ना शबर साहब। नहीं, तो जरूरत क्या है रहने की? आपको किस मुल्क में, मुल्क का कोई एसेट ही नहीं होगा। नहीं जाने, मुल्क के अंदर कभी क्या अमेरिका के पास स्टील मिल है? क्या अमेरिका के पास एयरलाइन है? अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इंग्लैंड के पास कोई एयरलाइन है? कोई नहीं है। अब खत्म हो गए, सब कमर्शियल कर दें सारा, सब कमर्शियल है। ओके, नहीं नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं। अगर प्राइवेटाइज नहीं होती बंद कर दें। ओके, अगर फ्लाई जिना के पास अगर 10 जहाज है, वो 10 जहाज और ले लेंगे। इस वक्त जो बात कर रहे हैं हमारे वफाकी वजीर खजाना साहब, आप समझते हैं कि वो एक फ्रेंडली एटमोसफेयर क्रिएट करने में कामयाब होंगे टूवर्ड्स दी दोज पीपल, नॉट ओनली द बिजनेस कम्युनिटी बट थ्रू आउट? आप समझते हैं कि कुछ फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन हो रही है उनकी तरफ? देखिए, बात यह कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है पास्ट का। ठीक हो गया, बिल्कुल बैगेज कोई नहीं उनके पास। फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई बैगेज नहीं है उनके पास। ठीक है, और वो उनको अपेरेंटली और राइटली प्रैक्टिकली तमाम क्वार्टर्स की सपोर्ट है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजर के लिए आपको 4 सपोर्ट चाहिए होती हैं। एक सपोर्ट आपको चाहिए होती है पार्लियामेंट की, जो कि शहबाज शरीफ के थ्रू आएगी उनको। दूसरी सपोर्ट आपको चाहिए होती है इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट की, पिंडी एस्टेब्लिशमेंट की। तीसरी सपोर्ट आपको चाहिए होती है आईएमएफ के लेंडर की। और चौथी सपोर्ट आपको चाहिए होती है वाशिंगटन के, जो आपके लोग हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त वो चारों चीज़ें कैरी कर रहे हैं अपने औरंगज़ेब साहब। जो उनका सबसे बड़ा टेस्ट और क्लैश तो नहीं कहेंगे, जो उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो होगा रिटेलर और होलसेलर और बिजनेसमैन के साथ, जिसको उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया है। और वो बेसिकली, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो डायरेक्ट डील करेंगे, वो दरमियान में कोई इंटरमीडिएट डालेंगे और वो उसके थ्रू होगा। और ये बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस तेजी से कंगाल हो रहा है, उस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तान को अब IMF के बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कंगाली में डूबता चला जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान पर कर्ज
बढ़ रहा है उससे पाकिस्तान की PIA को भी कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि PIA पूरी तरीके से कंगाल है। पाकिस्तान की सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से PIA को बेच दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी सफलता नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान की सरकार IMF से 1 अरब डॉलर की भीख मांग रही है, लेकिन उसको भीख मिलना भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के का दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उनको भी लगता है कि पाकिस्तान अब कर्ज लौटाने की पोजीशन में नहीं ही है। PIA पर इतना ज़्यादा कर्ज है जितने कि PIA के एसेट्स नहीं है। यही कारण है कि कोई भी देश PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। जिस तेज़ी से पाकिस्तान की एयरलाइन कंगाल हो रही है, उस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक न एक दिन ये पूरी तरीके से बंद भी हो सकती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।